हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वीएमसी मशीन पे हम सर्कुलर पॉकेटिंग कैसे करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में ड्रॉइंग है जिसमें हमें 100x100 का एक स्क्वायर वर्क पीस है। इस पे हमें 50 डाया का जो पॉकेट सर्कुलर पॉकेट है ये बनाना है। तो यहां पर हमें दो चीजें देखनी है कि सर्कुलर पॉकेट बनाने के लिए या तो हम 50 mm डायग का टूल लें और इस पर प्लंज कर दें, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 50 mm डायग का जो टूल है वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम क्या करें, कोई एक स्मॉल डायमीटर टूल लेते हैं, उसको यहां से रोटेट करते हुए इतना कट करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर ले जाएं, यहां से कट करें, फिर यहां ले जाएं इसी डायर को और ऐसे कट करें। तो ये तीन बार में हम कटिंग कर दें, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो 50 डाया है, यानी 50 का डाया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 25 mm। तो अब हमें देखना है कि कितने mm का हमें टूल लेना है। अगर हम 10 mm का टूल लेते हैं एक बार, तो 10 mm एक बार कटिंग कर देगा, 10 mm अगली बार कटिंग कर देगा, फिर अगली बार बचेगा 5 mm। तो 5 mm में क्या करेगा जो है, 5 mm पे टूल लेना है और 5 mm थोड़ा अंदर रखेंगे तो यहां का जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और फिर ये कटिंग कर देगा। ये प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस 50 mm का टूल लो, 50 डाया का, और टूल इस पर प्लंज कर दो मिलर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस टूल के सेंटर पे लाके हम सर्कुलर मिलिंग करेंगे, ठीक है, फिर यहां ले जाएंगे, फिर ये मेटल रिमूव होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहां पर टूल रखेंगे और फिर इसको रोटेट कर देंगे। अब ये तो हो गई सिंगल, बट दूसरी चीज, अगर हमें जो है ये हमारा जो है 50 mm डाया का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूं मैं, ये पॉकेट बनानी है 20 mm डेप्थ तक, मतलब 20 mm गहराई में ये पॉकेट बनानी है। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, आप देख लीजिए, ये जो है स्क्वायर, ये इसका टॉप व्यू है, टॉप से हम देख रहे हैं स्क्वायर को, और ये जो है साइड व्यू है, ठीक है। साइड व्यू में देखते हैं तो हमें ये वाली जो है सेक्शन को रिमूव करना है, यानी पॉकेट बनानी है मिलिंग के थ्रू। 20 mm मटेरियल निकालना है तो एक बार में 20 mm की डेप्थ देना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे सब प्रोग्रामिंग कमांड, यानी कि एक बार में कटिंग करेगा 2 mm तो 10 बार में ये सारा का सारा मटेरियल जो है 20 mm की डेप्थ जो है रिमूव हो जाएगी। तो इसमें हमें सब प्रोग्रामिंग यूज करना है और है सर्कुलर मिलिंग यूज करना है और आई जे और के, ये है ना आई जे, ये जो दो वेरिएबल्स हैं सबऑर्डिनेट ऑफ एक्स और वाई, उनका यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। कॉर्नर ऑफसेट लेंगे, मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं इसकी, फिर उसके बाद प्रोग्राम में दिखाऊंगा कैसे ये प्रोग्राम जाएगा। कॉर्नर ऑफसेट लेंगे, इसके सेंटर पे टूल को ले जाएंगे, फिर टूल को एक्स डायरेक्शन में मूव कराएंगे। अब देखो यहां पर दो चीजें यूज होंगी, G41 और G42, कटर कंपनसेशन लेफ्ट और कटर कंपनसेशन राइट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप आउटर में कटिंग करेंगे तो कटर कंपनसेशन जो है हमेशा इस डायरेक्शन में ले जाना है। तो कैसे ले जाओगे, ये आपका देखो, ये आपका वर्कपीस का साइड, और इधर से ले जाना है टूल को, तो G41 इस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि लेफ्ट कटर कंपनसेशन लेफ्ट, वर्कपीस इधर है, ये लाइन है इसके इस तरफ है,
कटर कंपनसेशन लेफ्ट लगेगी, यानी आपका जो ये वाला साइड है टूल का, ये साइड बाउंड्री से टच होगा और बाकी का जो है इसका सेंटर जो है अपने आप इसको बाहर की तरफ कर लेगा। तो कटर कंपनसेशन लेफ्ट, और जब टूल इनसाइड चलेगा इसी डायरेक्शन में तो G42। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है वर्कपीस की साइड जो है ये वाली है, इससे इधर चल रहा है राइट हैंड की साइड, तो कटर कंपनसेशन राइट G42। अब देखो G03 और G04 दोनों का ही जो यूज है वो यहां पर आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में टूल को ले चलेंगे, माने अपने टूल को इधर लाएंगे, कटर कंपनसेशन जो है इस एज के इधर रखेंगे। 25 का डायमीटर, 25 का रेडियस है ना इसका, 25, 50 का डाया, 25 का रेडियस, 25 का रेडियस है। तो इस कॉर्नर से देख लो, चाहे इस कॉर्नर से देख लो या इस कॉर्नर से देख लो, इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो 25 ही रहेगी, ठीक है, इस सेंटर से। तो 25 की रेडियस है, तो हम क्या करेंगे, टूल ले लेंगे 10 mm का डाया का, 10 mm डाया का टूल ले लिया, और कटर कंपनसेशन कौन सी लेंगे, ये वर्कपीस का साइड है एंड पॉइंट, इससे इस तरफ लेंगे, यानी लेफ्ट की साइड ले रहे हैं ना, ये वर्कपीस का साइड एंड है, इससे टूल हमारा इधर रहेगा, तभी 25 रहेगा ना, अगर हम इधर ले लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो इस पॉइंट से अंदर की तरफ लेंगे, तो ये हो जाएगा G41 कोड, ठीक है। तो G41 कटर कंपनसेशन लेंगे, क्लियर हो गया। इनसाइड में और आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ से जब आप टूल को ले जाओगे आउटर डाया से, तो G41 इधर से ले जाओगे, और इनसाइड से ले जाओगे तो G41 जो है G03। तो हम ले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, या तो G02 लगाते इस डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज लेके आ रहे हैं तो G03। तो G03 से हम लाएंगे टूल को और कटर कंपनसेशन लगाएंगे यहां पर G41। चलो प्रोग्राम को देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा कैसे ये प्रोग्राम बिल्ड होगा, आई और जे का यूज कैसे करेंगे ये भी हम इसमें सीखेंगे। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूं कैसे हमारा प्रोग्राम जाएगा। सबसे पहले देखो O001 ये हमारा प्रोग्राम नंबर है और ये है हमारा मेन प्रोग्राम, ठीक है। परसेंटेज का साइन यहां लगा सकते हो और जितनी भी डायमेंशन है इसमें 0.0.0 डाल लेना अपने हिसाब से। यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट है, ठीक है, या अंडरस्टैंडेबल है, अब तक आप समझ चुके हो। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट यहाँ लगाना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लॉक नंबर डाल सकते हो 10, 20, 20, 30, 40, ओके। तो ऐसे ये चलता जाएगा जिस सीरियल वाइज, ओके। तो अभी देखो परसेंटेज जो है प्रोग्राम एक्टिवेशन कमांड, O001 ये हमारा प्रोग्राम नंबर है। उसके बाद देखो G21 है इनपुट इन MM में हमारी डायमेंशन है, जितनी भी हम डायमेंशन दे रहे हैं X50 Y50 यानी जितनी भी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी की सारी MM में है। G90 है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जो ऑफसेट पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट है वहां से कैलकुलेट होगा सारा का सारा, ओके। G40 है कटर कंपनसेशन कैंसिल, यानी अगर हमने पहले कोई कंपनसेशन दे रखी है तो उसको पहले कैंसिल करना होगा। उसके बाद है G49 है टूल हाइट कंपनसेशन। अगर हमने टूल हाइट कंपनसेशन कहीं पर दे रखी है, G43 से जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में टूल हाइट कंपनसेशन देते हैं और G44 से जो है टूल हाइट कंपनसेशन नेगेटिव देते हैं, तो दोनों ही कैंसिल करनी होती है, तो उसके लिए क्या है आप जो है G49 कमांड यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने काफी सारे प्रोग्राम्स में नहीं बताया है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कैंसिल कर दीजिए, अगर आपने दे रखी होगी कभी अपनी मशीन में तो आप उसे कैंसिल कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही कहता है। G94 यानी फीट पर रेवोल्यूशन, यानी ये हमारी जो वैल्यू है फीट की, ये 200, 300, 100 ये जो है G94 कोड के साथ देनी है, ठीक। तो G94 यूज कर सकते हो या G95 यूज कर सकते हो,
जी 95 यूज करोगे तो 0.1 0.2 0.3 जो है फीड हम देनी है, जी 94 यूज करोगे तो फीड जो है 50 10 100 इस रूप में दे रही है। तो फीड का जो वीडियो है वो आप वहां से देख सकते हो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये इसलिए है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं यहां पर T01 M06 से है टूल हमारा जो है एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा T01 नंबर का। अब इसमें ऑफसेट नंबर जो देंगे वो हम 01 कर सकते हैं, यानी ऑफसेट नंबर जो है वहां पर दी होगी वो हमने सेलेक्ट कर ली है। ओके, उसके बाद G54 वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर हमारा वर्क पीस जो फिक्चर लगा हुआ है वो है, अगर हमने एक वर्क पीस लगाया है तो हम G54 यूज करेंगे, अगर हमने दो तीन यूज किए हैं तो G54 G55 G56 इस तरह से वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने होंगे। कैसे डिफाइन करने हैं वो आपको दिखा देंगे हम, तो फिलहाल हमने एक ही वर्क पीस को लेकर चल रहे हैं, तो G54 X0 Y0 मतलब ओरिजिन पॉइंट पर है जहां से हमारा जो टूल है वो स्टार्ट करेगा, जहां पर हमने ऑफसेट पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट है, चलो वर्क पीस में दिखा देता हूं, ये जो पॉइंट है वर्क पीस का जो कॉर्नर पॉइंट है, हमने कॉर्नर ऑफसेट लिया है, यानी इस पॉइंट को हमने X0 Y0 और Z0 तीनों ही पॉइंट जो है यहां पर जीरो मान रखे हैं, तो इस पॉइंट पर हमारा जो टूल है वो आएगा, देखिए कहां पर आएगा, X0 Y0 और Z100, यानी वर्क पीस जो है 100 mm जो है टूल से डिस्टेंस पर रहेगा और कॉर्नर जो है वर्क पीस का वो बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर रहेगा टूल। ठीक है, तो ये पोजीशन वो वाली पोजीशन है, क्लियर। अब देखो M03 से जो है हमारा टूल का जो स्पिंडल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, S 2000 RPM जो RPM रहेगा रेवोल्यूशन पर मिनट वो 2000 का रहेगा। उसके बाद G00 रैपिड ट्रेवल कराएंगे टूल को, क्योंकि 100 की हाइट पर है, तो 100 की हाइट से टूल को अपने कहां पे लाना है, वर्क पीस के पास लाना है, तो ये फास्ट मूवमेंट करेगा और वर्क पीस के सरफेस से 1 mm 2 mm 3 mm, यहां पर मैंने 1 mm लिखा है, आप यहां पर 5 mm लिख दो, ठीक है 2 mm लिख दो या 3 mm लिख दो, ठीक है, तो ये टूल टकराएगा नहीं, वर्क पीस के पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर पहुंच गया वर्क पीस पे, और X50 Y50 कहां पर है इसको देख लो, कोऑर्डिनेट को आओ, 100 mm का वर्क पीस है, इसके सेंटर पे है और 50 mm पर दूरी पर है ये, तो 50 में X और 50 में Y, तो ये इसके सेंटर पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी इसके सेंटर पॉइंट से 1 mm ऊपर हमारा टूल जो है लैंड करेगा। ओके, यहां पर 5 mm कर दिया मैंने, तो 5 mm लैंड करेगा, क्लियर। अब देखो G00 यहां पर G00 नहीं आएगा, यहां पर G01 आएगा, देखो 5 mm ऊपर, उसके बाद हमें लीनियर इंटरपोलेशन लगाना है, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में हमारा पाथ जो है टूल का रहेगा, तो G01 Z0 मतलब वर्क पीस पे टच करेगा, ठीक है जस्ट टच करेगा, वर्क पीस के सरफेस पे जो कोऑर्डिनेट है जेड की वैल्यू 0 रहेगी, तो वहां टच करेगा, फीड जो रहेगी 200 की है, 200 इसकी जो फीड रहेगी वो 200 की है। अब देखो M98 P10, तो 0002 है ये प्रोग्राम नंबर है, कौन सा, सब प्रोग्राम, ये जो है सब प्रोग्राम है, O 0002, तो यहां पर O नहीं लिखना है, 0002 लिखना है, P जो है नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन, कितनी बार हमें इस प्रोग्राम को रिपीट करना है, इसको बताऊंगा कितनी बार करना है, यहां पर लिखा है 10 इसलिए दिया है क्योंकि हम जो डेप्थ दे रहे हैं वो 2 mm की दे रहे हैं। चलो आओ उधर दिखाता हूं मैं, ये जो आपको वर्क पीस दिख रहा है इसकी जो डेप्थ है वो जो है 20 mm की है, ठीक है, ये जो है पॉकेट ऐसी बनेगी, इसकी जो डेप्थ है वो 20 है, 20, ठीक है, ये 20 mm की डेप्थ है, तो एक बार में कटिंग नहीं करेगा, 2-2 mm करके कटिंग करेगा, इस सर्कल को एक बार कट करेगा, 2 mm में कटिंग कर देगा, फिर 2 mm कटिंग करेगा, फिर 2 mm कटिंग करेगा, तो इस तरह से कटिंग होगी। तो हालांकि मैं इसका जो सिमुलेशन है वो आपको एंड में दिखाऊंगा, अभी हो सकता है कि मैं इसके बीच में भी दिखा दूं, ठीक है, तो अभी देखो M98 से हमने सब प्रोग्राम कॉल किया, सब प्रोग्राम कॉल करने का ये कमांड है M98 है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हो सकता है मैं ये पूछ भी लूं अपने जो गिव अवे में, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। M98 सब प्रोग्रामिंग कमांड है, इससे सब प्रोग्राम नंबर ये O0002 इसको एक्टिवेट किया, 10 बार रिपीट करना है। तो यहां से हम इस प्रोग्राम पर पहुंच गए। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं दिखाता हूं कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये हमारा सब प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमारा सब प्रोग्राम है O0002। अब यहां पर G91 देख सकते हैं आप, G91 जो कोड दिया हुआ है ये इंक्रीमेंटल मोड है। इंक्रीमेंटल मोड क्या कहता है कि आपका जो एक बार रिपीटिशन करना है, कितनी बार रिपीट करना है उसको इंक्रीमेंट करना है, बार बार करना रिपीट, कितनी बार रिपीट करना है वो आपका सब प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी बार सब प्रोग्राम पर जाएगा, फिर जो दोबारा आएगा तो जितना कटिंग हो चुकी है उससे नीचे जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हमने लगाया इंक्रीमेंट में, G01 लीनियर इंटरपोलेशन लगाया इंक्रीमेंट में, और Z-2 यानी हर बार 2 mm की कटिंग करेगा, डेप्थ में 2 mm जाएगा। ये फॉर्मेट आप याद कर लो, फीट जो रहेगी 200 की रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो G90, अब जो चीज रहेगी वो सेम रहेगी, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया। इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। G90 G01 लीनियर इंटरपोलेशन x50 y50 क्या पे इसका सेंटर, ठीक है। इसके सेंटर से फीड जो रहेगी 200 mm की रहेगी, इसके सेंटर पे डेप्थ देगा, ठीक है, क्लियर। G01 x60 y50 यानी y की जो वैल्यू है वो 50 रहेगी, बट x में हमें 60 तक जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कटिंग करनी है तो क्या करेंगे, अपने टूल को क्या करेंगे, 10 mm का टूल है, 10 डाया का टूल है, ठीक है। जो टूल का डायमीटर है वो 10 mm है, तो 10 mm टूल जो है इधर खिसकाएंगे, ठीक है। और G41 जो कोड है वो हम यहां पर लेंगे, कटर कंपनसेशन लेफ्ट। यहां देखो G01 x60 y50, यहां पर भी हमने क्या किया, टूल को क्या किया, इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और 10 mm यानी कि 50 + 10 तो 60 पे पहुंच गया ना x की वैल्यू। यहां देखो x50 तो यहां सेंटर पे था ही, 10 mm और शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये हो गया x60, ठीक है। यहां पर अब ध्यान से देखो, अब इसको रोटेट करना है, रोटेट करना है तो क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे ये 10 है, ठीक है, इस पॉइंट से रोटेट करना है। तो हमारी ये इस पोर्शन की है जो सारा मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां का जो वैल्यू है वो देखो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट देखो, G03 यानी सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। यहां देखो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, इस डायरेक्शन से घुमाना है, यहां तक ले गए, अब काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो x60 y50 इसी पॉइंट पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर आई की वैल्यू कैसे निकाली हमने, i-10। आई क्या कहता है, आई की डेफिनेशन समझो, आई कहता है I इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब देखो एक्स की डायरेक्शन में हमें आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू जब भी निकालोगे एक्स की डायरेक्शन में निकालोगे, तो I का स्टार्ट पॉइंट ये है इन द डायरेक्शन ऑफ X, X की डायरेक्शन ये है, देखो ये X, ये भी X, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जीरो, ये Y, ये Y, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है इस पॉइंट से किधर चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, यहां से
एक्स नेगेटिव चल रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, आई की वैल्यू नेगेटिव, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कितनी डिस्टेंस है 10 एमएम की डिस्टेंस है, आई की वैल्यू हो गई 10। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, मुझे मालूम है कहीं ना कहीं डाउट होगा। आई की डेफिनेशन कहती है कि स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स की डायरेक्शन में। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको डिसाइड करना है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव है क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व है, यहां से कर्व जो है स्टार्ट करेगा और ये रोटेट करेगा, तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व, इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां से इधर चल रहा है, देखो नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स का सबऑर्डिनेट क्या है, आई है, तो आई की वैल्यू नेगेटिव, तो यहां पर आई की वैल्यू माइनस 10। अब इसी पॉइंट से जे की वैल्यू निकालेंगे, जे की वैल्यू क्या होगी, जे की डेफिनेशन क्या है, जे इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है जे, देखो हमेशा याद रखना वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें डायरेक्शन देनी होती है, तो यहां डायरेक्शन का जरूर फर्क पड़ेगा, जे इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, ये स्टार्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा कर्व जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व, सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व, सेंटर पॉइंट ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई का मतलब वाई के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखो ये तो एक्स, ये वाई इसमें कितना है, यहां पर वाई कितना है, सेम है, और यहां पर भी वाई सेम है, तो उसमें डिफरेंस है ही नहीं, वाई होना चाहिए, अगर यहां से हम स्टार्ट कर रहे होते तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती, पर यहां जो है सेंटर पॉइंट का भी वाई वही है और ए, और इस पॉइंट का स्टार्ट पॉइंट का भी वाई जो है वैल्यू बराबर है, तो यहां पर जीरो आ जाएगा, यानी डिफरेंस है ही नहीं कुछ, तो ये जो वैल्यू है जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो हमारा एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो उस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी चीज है बट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो ये होगी, उसके बाद देखो G01 X70 Y50, मतलब हमने जो ये पहले वाले कमांड से हमने जब चीज दे दी तो ये पूरा सर्कुलर जो है पूरा कट हो जाएगा, तो ये जितना मटेरियल है ये सारा का सारा मटेरियल जो है टूल निकाल देगा, क्योंकि 10 एमएम का रेडियस है, निकाल दिया। अब अगली बार क्या करना है, 10 एमएम और खिसका दिया टूल को, इधर खिसकाया तो कितनी हो गई, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, एक्स की डायरेक्शन कितनी हो गई 70, तो यहां देखो एक्स 70 वाई 50, हाइट तो सेम ही रही ना, यहां पर भी देखो यहां पर भी हाइट 50 है, वाई की डायरेक्शन में 50 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वाई 50 रखी हमने, ओके। अब उसके बाद G03 सेम चीज लगाई, एक्स 70 कोऑर्डिनेट हमारा उस पॉइंट का 70 है, वाई 50, वाई 50 था, आई की वैल्यू -20, क्यों, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, अब की बार भी समझ में आ जाएगा कुछ, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कर्व, ये इस तरह से जाएगा और ये घूमता हुआ इधर से कटिंग करता हुआ यहां आ जाएगा टूल, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स की डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है 20, तो -20 क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, ओके तो ये क्लियर हो गया, आई की वैल्यू -20, जे की वैल्यू 0 क्योंकि सेम चीज है, एक ही प्लेन पर है। और उसके बाद देखो G01 X75 क्यों, क्योंकि देखो अब डाया देखो 50 का है, रेडियस 25 की है, इसके सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो 25 है, 10 इधर चल दी, 10 यहां कर दी, ठीक है ये 10 भी कर दी हमने, तो अब बची 5, तो 5 एमएम खिसकाया इसको टूल को, 5 एमएम इधर रहा, तो 5 एमएम पहले वाला अगर कोई मटेरियल थोड़ा बहुत छूट गया होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है, तो ये डाया यहां पे आ जाएगा, और क्योंकि हमने G41 कोड यूज किया तो जो है बाउंड्री से अंदर की साइड रहेगा अपना, बाहर नहीं जाएगा टूल, तो जो डिस्टेंस है 25 जो रेडियस है वो मेंटेन रखेगा। अब कोऑर्डिनेट देखो, आ जाओ यहां पर X75 Y50 75 पे पहुंच गया और Y50 रहेगा, हाइट वो सेम रहेगी,
x75 g03 x75 y50 i -25, क्योंकि i की वैल्यू -25 हो जाएगी यहां से स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है, j की वैल्यू 0, n99, ये देखो ये कोड क्या है, n99 कोड यूज किया है यहां पर, देखो थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। n99 से क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ये जंप करेगा मेन प्रोग्राम पर, मेन प्रोग्राम पे, यानी ये चीज रिपीट हो गई तो क्या होगा, 2 mm में ड्रिल कट करेगा, क्योंकि हमने यहां पर z की वैल्यू -2 दी है डेप्थ, तो एक बार में 2 mm मटेरियल का जो डेप्थ है वो सर्कुलर कटिंग से निकल जाएगा मटेरियल। अगली बार फिर देंगे 2 mm, तो क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या लगाया हुआ था, देखो आ जाओ M98, यहां पर आ जाएगा मेन प्रोग्राम, ठीक है, यहां से फिर सब प्रोग्राम पे जाएगा, फिर दोबारा से सब प्रोग्राम पे चला जाएगा, फिर कहां जाएगा, 10 बार रिपीट करना है ना इसको, इस प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम को, तो 10 बार रिपीट होगा, बार 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 रिपीट होता जाएगा और मेटेरियल रिमूव हो जाएगा, जब 10 बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कहां जाएगा, ये मेन प्रोग्राम पर आएगा, तो G00Z100, यानी कंप्लीट होने के बाद टूल जो है हमारा 100 mm ऊपर उठ जाएगा, M30 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन से सर्कुलर पॉकेट हमने बना दी, ये सर्कुलर पॉकेट जो है कॉन्सेप्ट आपको कई जगह यूज करना पड़ेगा, अभी हमारे कुछ कंबाइंड प्रोग्राम आएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को सेट करते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।